जहानाबाद कनौदी के पास अवस्थित गुड न्यूज प्रार्थना सभा के भवन का स्थानांतरण हो गया। वहां से कुछ ही फासले पर होंडा शोरूम के समीप गुड न्यूज प्रार्थना सभा शिफ्ट हुआ, जिसका उद्घाटन संयोजक कमलेश कुमार, डॉक्टर राम नारायण सिंह एवं अन्य बुद्धिजीवियों द्वारा किया गया। इस मौके पर सिलाई सेंटर का भी कमलेश कुमार द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एक अलग ही भावनात्मक माहौल दिखा। भव्य तरीके से प्रार्थना का आयोजन किया गया था, जिसमें कई गांव से, जहानाबाद शहर से एवं आसपास के इलाके से काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल होकर प्रभु यीशु को याद कर रहे थे एवं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए, अपने जिले के लिए, अपने राज्य के लिए दुआएं मांग रहे थे। प्रभु यीशु के प्रति भावना इस कदर कि बहुत सारी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। इस अवसर पर प्रभु यीशु से जुड़े कई भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसमें बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को के धुन पर लोग भाव विभोर हो रहे थे। माहौल भावुक के साथ साथ खुशनुमा भी था। इस मौके पर गुड न्यूज प्रार्थना सभा के संयोजक कमलेश कुमार व डॉक्टर राम नारायण सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने प्रभु यीशु के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा कि सभी मनुष्यों का जन्म इस धरती पर कुछ मकसद के लिए हुआ है, अच्छे कामों के लिए हुआ है, क्योंकि इस संसार से सभी को जाना पड़ेगा। इसलिए जब तक इस संसार में हैं, अच्छे काम करते रहिए और पहचानने की कोशिश कीजिए ईश्वर द्वारा आपको इस धरती पर क्यों भेजा गया है। आए तमाम महिला पुरुष बड़े ही ध्यानपूर्वक वक्ताओं की बातें सुनकर भाव विभोर हो रहे थे, मानो जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो गए। इस अवसर पर प्रवचनकर्ता व संयोजक कमलेश कुमार ने कहा कि गुड न्यूज प्रार्थना सभा व सिलाई सेंटर को नए भवन में स्थानांतरण किया गया है। पहले के भवन से बस कुछ ही दूरी पर शिफ्ट किया गया है, ताकि आने वाले लोगों को किसी प्रकार की मुश्किल न हो और यहाँ धीरे धीरे सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन सच ये है कि वो भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, प्रकृति में विश्वास करते हैं, पेड़ पौधे में विश्वास करते हैं, हवाओं में विश्वास करते हैं। ईश्वर के प्रति दुनिया के हर सजीव का कहीं ना कहीं विश्वास जुड़ा हुआ होता है और यही सीख गुड न्यूज प्रार्थना सभा में लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ गरीबों, मजबूरों के लिए सिलाई सहित अन्य माध्यमों से रोजगार की सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। निश्चित तौर पर गुड न्यूज प्रार्थना सभा में मौजूदगी से एक असीम शांति की अनुभूति होती है। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक प्रार्थना की गई। सभी ने कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे इतना भी नीचे मत गिराना कि मैं पुकारूं और तू सुन न पाए, और इतना भी ऊपर मत उठाना कि तू पुकारे और मैं सुन न पाऊं। एस के मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। जितने दुखी लोग, लाचार लोग, बीमार लोग, गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, वो उन्हें देख के प्रार्थना करते हैं, आप उनकी प्रार्थना को सुनिए। प्रभु जो बीमार लोग को काटते हैं, प्रभु उन्हें चंगा करिए। हे प्रभु, आप दया करिए। जो परमेश्वर सामने में बैठे हुए लोग जब आपको पुकारते हैं, वो आप उनकी सुनिए, आप उनकी सुने, उन पर दया करें। हे प्रभु, जो अपने कोई बांध है अपने बच्चों के लिए पुकारती है प्रभु जी, उसकी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर, उसकी प्रार्थना को सुनिए परमेश्वर। इस सावध को रोगन हो करने पाए प्रभु जी, इस नए बेटे को प्रभु की आत्मा की सावध से सबसे
पहले आप सभी को हम शुभकामनाएँ देना चाहते हैं इंडियन गुड न्यूज़ फाउंडेशन की ओर से, क्योंकि इंडियन गुड न्यूज़ फाउंडेशन विगत 2006 से कंटिन्यू सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है, जो बच्चों की पढ़ाई के क्षेत्र में, सिलाई सेंटर के क्षेत्र में और लोगों को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में आगे लेके चल रहा है और नशा मुक्ति के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। आज जो है इंडियन गुड न्यूज़ फाउंडेशन का नया बिल्डिंग में हम लोगों ने स्थानांतरण किया है। इससे पहले हम लोग डीएम आवास के पास में एक बिल्डिंग थी और आज जो कार्यक्रम हुआ है इसमें सैकड़ों महिलाएं और पुरुष ने भाग लिए हैं और प्रार्थना कर रहे थे हम लोग अध्यात्म के क्षेत्र में और सब लोग खुशियां जाहिर कर रहे थे। और यहाँ पे अभी सिलाई सेंटर भी चलेगा, सिलाई सेंटर के लिए अच्छी सुविधा है, वहाँ भी हम लोग के लिए अच्छी बिल्डिंग्स थी और अच्छी सुविधा थी, लेकिन उससे अच्छा यहाँ पे भी हमें मिला है। और हमारे साथ में डॉक्टर राम नारायण सिंह हैं जो पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी हैं और हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह हैं जो रेलवे में जॉब करते हैं और हम सब लोगों ने मिल करके एक साथ फीता काट करके और इस नए भवन का हम लोगों ने उद्घाटन किया है। क्या संदेश आप देना चाहिए? संदेश आज हमारा ये रहेगा आप सभी लोगों के लिए कि परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि परमेश्वर हर एक इंसान के अंदर रहते हैं। बिल्डिंग में इस ईश्वर की उपस्थिति नहीं होती है, बल्कि इंसान के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति होती है। इसलिए बिल्डिंग कोई मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि हम कहाँ पे अच्छे से इकट्ठे हो करके और हम प्रार्थना करें और उस परमेश्वर को याद करें। और यही मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ करें। यीशु मसीह इस दुनिया में आए सभी समाज सभी वर्ग के लोगों को सेवा देने के लिए, जो समाज के दबे कुचले लोग थे, ऐसे लोग जो कोढ़िए थे, अंधे थे, लंगड़े थे, बीमार लोग थे, ऐसे लोगों को यीशु मसीह ने भलाई किया और उसके लिए प्रार्थना किया। आज हम लोग भी ऐसे ही काम कर रहे हैं, जो गरीब दुखी लाचार लोग हैं या ज़रूरतमंद हैं, बीमार में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और जवान लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज बहुत सारे जवान डिप्रेशन में जाके आत्महत्या कर लेते हैं, हम उन लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं कि आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि जीवन अनमोल है और इसे जिए। ईश्वर के ऊपर आप आस्था भरपूरी बनाए रखें। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उनको क्या कहेंगे आप? जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं तो प्रकृति के ऊपर विश्वास करते हैं, पेड़ पौधे पर विश्वास करते हैं, नदी तालाब पर विश्वास करते हैं, तो वो भी तो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो भी आस्था रखते हैं। बेशक वो अंगीकार ना करें लेकिन आस्था तो उनका है। सूर्य पर आस्था रखते हैं, चंद्रमा पर आस्था रखते हैं, तो ये सब ईश्वर के हाथ की बनाई हुई चीज़ें हैं। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हैं। हम यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं एज ए कमर्शियल इंस्पेक्टर वाणिज्य निरीक्षक के रूप में जयपुर मंडल में कार्यरत हूँ और पिछले 20 साल से प्रभु में हूँ और प्रभु की देन है कि मुझे ये नौकरी मिली। आज मेरा बेटा MBBS कर रहा है, आज बड़ा बेटा इंजीनियरिंग करके, बेटी एक CHO में है। इस सारी आशीष परमेश्वर का देन है। हम चाहते हैं कि प्रभु के साथ बने रहना, संगति करना और उसके बताए रास्तों पर चलना, जो पाप से रहित एक जीवन बिताना। और जैसे ही पाप से रहित एक जीवन बिताते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आती है। हम संदेह देना चाहते हैं लोगों को कि परमेश्वर यीशु जो है वो किसी का धर्म बदलने नहीं बल्कि वो जीवन बदलने आया। परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, वह ना केवल यहूदियों से, ना केवल मुस्लिम से, ना क्रिश्चियन से, बल्कि वह पूरी संसार की सृष्टि से प्रेम करता है, क्योंकि उनका वचन कहता है कि मैंने अपने हाथों से तुम्हें बनाया और मैं चाहता हूँ कि तुम पाप को छोड़ के, गुनाहों को रास्ता त्याग के मेरे पास आओ और मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊँ, उस पर आगे बढ़ो और अपने जीवन के तमाम आशीषों को पाओ और खुशी और चैन और शांति के साथ अपने जीवन में। नारायण सिंह, हम मार्बल से सर्विस करते थे, अभी रिटायर कर गए हैं, अभी जहानाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का दास है। परमेश्वर इस दुनिया में आया, पहले मैं बहुत चिंतित रहता था, तो प्रभु यीशु मसीह का जब से ग्रहण किया हूँ मुझे बहुत शांति मिलती है और जिस चिकित्सा में हम लोगों को सेवा करने का भी मौका मिलता है, गरीबों को, अमीरों को, हर एक लोगों को। और प्रभु में जब से मैं आया हूँ बहुत सुख शांति मिल रहा था, इसलिए हम सभी लोगों को बोलते हैं कि प्रभु में आए और
अपना जीवन बिताएं। आप परमेश्वर इसलिए आए कि हम अपने पापों, अपने रोगों, अपने हर एक कमजोरियों, हर एक चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह के जब मानते हैं तो हमसे दूर हो जाता है।